बाद इस वक्त की एक बेहद अहम अपडेट की करेंगे। बीजेपी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है। सभी राज्यों की राजधानी में ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और इस देशव्यापी प्रदर्शन में बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका गया। कल भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ आपको बता दें कि इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया गया था। बिलावल भुट्टो ने पीएम के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है, विवादास्पद बयान दिया था और उसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि वहां हो हंगामा मचा हुआ है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, अलग अलग राज्यों की राजधानी से तस्वीरें हमें मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको बीजेपी ने हल्ला बोल जो किया है और जो प्रदर्शन किया जा रहा है पूरे देश में बिलावल भुट्टो के खिलाफ, वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका जा रहा है और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें ये पूरा मामला न्यूयॉर्क से उठा। जी हां, यूएनएससी जहां पर भारत को अस्थायी अध्यक्षता मिली और उसके बाद जब जयशंकर दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार ने, और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। और इस वक्त अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जम्मू, मुंबई और पुणे, ये तीनों जगहों की तस्वीरें जहां पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिलावल भुट्टो के बयान पे उग्र हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन की तस्वीरें। ऐसा ही प्रदर्शन कल राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दिया था। तो कल से ये जो हंगामा शुरू हुआ है वो आज भी जारी है और पूरे देश में इसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। इसमें जो बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं वो भी शामिल है, जो यूथ विंग है वो भी शामिल है और जम्मू, मुंबई और पुणे की फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने। और दरअसल ये उग्र प्रदर्शन उस बयान को लेकर हो रहा है जो कि बिलावल भुट्टो की ओर से दिया गया था न्यूयॉर्क में भारत को लेकर, जिस पर भारत के विदेश मंत्री ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी अमित सिंह भी जुड़ गए हैं। अमित, देशव्यापी तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये गुस्सा और गुस्से के साथ साथ बड़ा मैसेज पाकिस्तान को और खासकर बिलावल भुट्टो और हीना रब्बानी खार को भी। हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव मौजूद है। सर, बिलावल भुट्टो का बयान कैसे देख रहे हैं आप? बयान उनका आपत्तिजनक है। सब लोग एक पाकिस्तान को ऐसा बल राष्ट्र के रूप में देखते हैं, कंगाल देश के रूप में देखते हैं। वो ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी उसने की है और हम सब निंदा करते हैं और बिलावल भुट्टो से मांग करते हैं कि वो अपने बयान पर खेद प्रकट करें, प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे और अपना बयान वापस। प्रधानमंत्री हमारे जब विदेशों में जाते हैं जिस तरीके से लोकप्रियता है विश्व के सामने चहेते नेता के तौर पे, और इस ऐसे में जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है इस पर बिलावल भुट्टो को माफी तो मांगनी चाहिए। इसके अलावा जो गुस्सा है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी देख रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश खड़ा है और दुनिया आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में, एक सशक्त नेता के रूप में मोदी को स्वीकार करती है। उन्होंने जो बयान दिया पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है और सब लोग, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे 135 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। उन्होंने बयान वापस लेना चाहिए और देश की 135 करोड़ जनता से क्षमा मांगना चाहिए। थैंक यू सर। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष और जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये लखनऊ से लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सुर में मांग यही है, दो टुक मांग यही है कि ये बयान वापस लिया जाए। तो अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर उतरे हुए, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता लगातार बिलावल भुट्टो अपने बयान को वापस लें इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
लखनऊ से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग इलाकों में भी है। लखनऊ की तस्वीर तो आपने देख ली, उधर मुंबई में भी बीजेपी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मुंबई में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के समर्थक जमा हो गए और फिर बिलावल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये इंटरनेशनल बेसिस कोई पहली बार बिलावल भुट्टो ने नहीं कराई है। आपसे दो महीने पहले आपको याद होगा जब जो बाइडेन ने साफ तौर पर पाकिस्तान को एक खतरनाक देश करार दिया था, तब भी इसी तरह की बौखलाहट बिलावल भुट्टो के सामने सामने आई थी। लेकिन अब जब इस तरह का बयान वो न्यूयॉर्क में यूएनएससी की मीटिंग में देकर आते हैं तो साफ तौर पर इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की करा दी है। यहां से समझ में आता है कितने अनुभवहीन मंत्री हैं वो। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के द्वारा लगातार दिए जा रहे विवादित बयान को लेकर, खासतौर पर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयानों को लेकर बीजेपी समर्थन उतरी है और बीजेपी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। गांधी पुत्र मंत्रालय के पास है, वहाँ पर वो मौजूद है और लगातार जो बयान संजय राउत की तरफ से, श्वानधारी की तरफ से लगातार जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर आज बीजेपी जो है वो अपना सख्त प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि एक तरफ मुंबई में महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं उनका मोर्चा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने आज माफी मांगो आंदोलन के साथ बीजेपी जो है मुंबई के तमाम इलाकों में ऐसे ही मोर्चा कर रही है। और इन मोर्चों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, प्रवीण दरेकर हो, ये तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। लगातार बयान संजय राउत और सुषमा अंधारी की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर माफी मांगने की मांग इन नेताओं की तरफ से की जा रही है कि वो माफी मांगे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की फिलहाल ये तस्वीरें जहां धरना प्रदर्शन जारी है और मांग यही है कि बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है उस स्टेटमेंट को वापस लिया जाए। लेकिन ऐसा पाकिस्तान ने किया कब है? पाकिस्तान इससे पहले भी बचकानी हरकत करते रहता है, चाहे उसकी सेना प्रमुख हो या कोई और मंत्री हो या फिर बिलावल हो, सबकी एक ही कहानी है। और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके सामने, कितनी आक्रामक इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी है, यह देश के अलग अलग राज्यों में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। जम्मू, मुंबई, लखनऊ, भुवनेश्वर, हर जगह ऐसा ही प्रदर्शन। और बिलावल भुट्टो माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, साथ ही अपने बयान को वापस ले, ये बीजेपी कार्यकर्ता कह रहे हैं। जी, और न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि देश भर में लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक गरिमामयी पद पर आसीन हैं। और इस तरह की जब बात सामने आती है तो जाहिर तौर पर जो मंशा हमेशा से नजर आई है पाकिस्तान की वो देखने को मिलती है। एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे, अमित हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ, क्या कुछ तस्वीरें आप देखने को हमें दिखा सकते हैं वहां पर मिल रही है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी ने यहां पर प्रदर्शन कर रही है। देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में हैं और यहां पर देखिए शर्म करो पाकिस्तान का यहां पर बैनर यहां पर लगा हुआ, सबके हाथों में बैनर है यहां पर और शर्म करो पाकिस्तान, भारत माता की जय के नारेबाजी यहां पर लगातार यहां पर हो रही है। और यहीं पर बिलावल भुट्टो जो कि विदेश मंत्री है पाकिस्तान, उनका यहां पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर उनका पुतला दहन किया गया है। बिलावल भुट्टो माफी मांगे, या खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसकी मांग की है। और ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए तस्वीरों किस तरीके से गुस्से में है यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और लखनऊ वासी। दरअसल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते आया है और उसके बाद बीते कल हमने देखा बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें देखिए एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, ये वही कार्यकर्ता है, ये वही लखनऊ वासी है जिन्होंने पुतला दहन किया है। पैदल मार्च बीजेपी कार्यालय से जीपीओ तक यहाँ पर पैदल मार्च प्रोटेस्ट मार्च बीजेपी ने आज रखा था। और ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से क्या 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 कह रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, यहाँ पे एक भारत के प्रधानमंत्री को अपमानजनक टिप्पणी की गई है और पूरा हिंदुस्तान इसको सह नहीं पाएगा। करेंगे इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि देश के अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर कि पीएम के लिए क्यों ऐसा विवादास्पद बयान दिया गया।